किर्गिस्तान चीन सीमा पर भूकंप, दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए झटके। समारोह। किर्गिस्तान चीन सीमा क्षेत्र में मंगलवार 23 जनवरी 2024 को स्थानीय समयानुसार लगभग 2 बजे 7.1 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया। भूकंप का केंद्र किर्गिस्तान सीमा के करीब जिनजियांग के अक्सू प्रांत में वुशी काउंटी, उक्तुरपान काउंटी के रूप में भी जाना जाता है, में स्थित था। किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों सहित पूरे क्षेत्र में झटके महसूस किए गए। चोटें। चीन में राज्य मीडिया द्वारा कई चोटों की सूचना दी गई है, हालांकि सटीक संख्या अभी भी स्पष्ट नहीं है। क्षति। रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि भूकंप के केंद्र में मकान ढह गए हैं और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। हालांकि दूरस्थ स्थान होने के कारण क्षति की पूरी सीमा का आकलन अभी भी किया जा रहा है। संचार व्यवधान। प्रारंभिक रिपोर्टों से कुछ प्रभावित क्षेत्रों में संचार लाइनों में व्यवधान का पता चलता है। बचाव प्रयास। लगभग 200 बचाव कर्मियों को भूकंप क्षेत्र में भेजा गया है, सैकड़ों अन्य को तैयार रखा गया है। बाद के झटके। मंगलवार की सुबह तक 3 तीव्रता से ऊपर के 50 से अधिक झटके दर्ज किए गए हैं, जिससे आगे की क्षति और हताहतों की चिंता बढ़ गई है। अग्रिम जानकारी। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण USGS ने भूकंप की तीव्रता 7.1 होने की पुष्टि की, जो प्रारंभिक रिपोर्टों से थोड़ी अधिक है। चीनी अधिकारियों ने भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में ट्रेन सेवाएं निलंबित कर दी हैं और स्थिति का मूल्यांकन कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहायता संगठन प्रभावित क्षेत्रों को सहायता की पेशकश कर रहे हैं।